Welcome back to my channel, guys. I hope you people are getting benefits. So today we are going to discuss something very important. So we are going to discuss that how you can get more than 7 in case of your speaking, and what are the things that are required. So कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है, किस तरह की बेसिकली आपको, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेन क्वेश्चन होता है कि इसके 7 क्यों आए हैं, इसके 7.5 या 8 क्यों आए हैं. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रीजंस. ओके, सो एक बार हम सभी चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं कि बेसिकली एक्सप्रेशंस वगैरह को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशंस वाली वीडियो और बनाएंगे हम. सो अभी हम सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं कि किस तरह से फिलॉसफी क्या होती है 7+ बैंड लेने की, और उसके अलावा हम जो इम्पॉर्टेंट क्यू कार्ड का एक जो तरीका यूज करेंगे, एक क्यू कार्ड को रेफरेंस के तौर पर लेकर चलेंगे. अ पर्सन हुज जॉब इज इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी. सो अगर आप न्यू हो तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर जो कि सितंबर से दिसंबर के जितने भी क्यू कार्ड हैं, जितने भी राइटिंग की टिप्स चाहिए ये वाली देख सकते हो. जैसे कि यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाकर आप आपकी जो सारी रीडिंग के सीक्रेट टिप्स, सीक्रेट तो नहीं मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल टिप्स कह सकते हो आप उसको, और स्पीकिंग के 7+ राइटिंग के. और एक वीडियो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेवल पर बनाई थी, मैं पता नहीं क्यों मैं इसको प्रमोट करना भूल जाता हूँ, आपको बताना भूल जाता हूँ. सो ये आप वीडियो सर्च कर सकते हो सीधा. ओके, सो इसका सीधा लिंक मैं नीचे दूंगा इस वीडियो का, आप वहां से भी उठा सकते हो. सो लिंक के जरिए भी उठा सकते हो आप. तो ये वीडियो आपकी राइटिंग की 100% लेवल, 100 मतलब इससे बेटर आपको, ये सिर्फ एक्टिव पैसिव नहीं है, ये बहुत लेवल पर आपकी वीडियो इम्प्रूवमेंट करेगी, पक्का करेगी यार. ये वीडियो मैंने काफी ज्यादा लेवल पर बनाई थी, सो मैं आपको बताना भूल गया था. सो दिस इज द वॉलपेपर दैट आई एम यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो डिस्क्राइब अ पर्सन हुज जॉब इज इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी. सो हम देखना चाहते हैं कि क्यों 7+ ऐसे क्यों आती है. सो देखिए, दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो आई हैव हाइलाइटेड ऑल द पावरफुल लाइंस दैट व्हाई दीज आर गेटिंग मोर देन 7.5 एंड मोर देन दैट. सो देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन दोज ग्रेट पीपल, सो यू कैन से दैट द स्टार्टिंग इज वेरी पावरफुल. सो वेन एवर यू स्टार्ट लाइक दिस, यू आर बेसिकली, जो एक अच्छा कैंडिडेट होता है वो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू टेल टू द एग्जामिनर दैट ही इज वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश. सो वो बेसिकली ये बताना चाहते, आप अगर दूसरे बंदे को ये फील नहीं करवा सकते ना कि आप कंफर्टेबल हो, तो उसके बिना आपकी स्कोरिंग मुश्किल आ जाती है. और जब आप इस तरह की लाइन्स की प्रैक्टिस करते हो, आप जब इस तरह की नेचुरल लाइन्स बोलते हो, ये लाइन बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कि मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो है इस जगह को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं. सो दे आर मेकिंग दिस प्लेस, दे आर मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल. सो इस तरह के इम्पैक्ट जो स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल. हु दिस पर्सन इज नाउ अगेन. सो आई हैव सेलेक्टेड आनंद कुमार. सो अगर आप उनके बारे में नहीं जानते, सो यू डेफिनेटली need to learn about this person. So ये बंदा हमारे लिए वाकई ही एक वरदान है, ये बंदा बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही अच्छे उन्होंने सोसाइटी, तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा. सो इस तरह के आप जब पर्सन को फॉलो करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ इंप्रूव होती है. सो अभी देखिए, हम मैंने स्पेशली इसको जो हाईलाइट किया, जैसे कि हु दिस पर्सन इज, सो स्पेशली मैं टॉपिक वाइज, आप क्या होता है बुलेट पॉइंट जो होते हैं उसको आप कवर करना भूल जाते हो, दैट्स व्हाई यू ऑलवेज लूज स्कोर. सो आप चीज, इसीलिए हम पूरे, जैसे कि आगे भी हम पूरा कवर करेंगे इसको. वो दिस पर्सन इज हियर, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ ग्रेट पर्सन हु हैज सेव्ड अ सोसाइटी इन इंडिया, नहीं कहेंगे इन, गलती से लग गया, इंडिया सिग्निफिकेंटली एंड हैज लेफ्ट एन एवरलास्टिंग इंपैक्ट. अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, बहुत अच्छी, जो मैं नहीं कहता हूँ, ये अंग्रेजों का कहना है, जो एग्जामिनर्स हैं अंग्रेजों का कहना है कि अगर आप इस तरह की लाइन से बोल सकते हो, दैट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक वेल. हिज नेम इज आनंद कुमार, ही इज एन एजुकेटर एंड मैथमेटिशियन बेस्ट नोन फॉर हिज सुपर 30 प्रोग्राम. सो दिस सुपर 30 प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द हाईलाइट. हु दिस पर्सन इज, सो आप देख सकते हो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लाइन को कवर कर रहे हैं. बेसिकली इज अ प्रोफेसर बट अलॉन्ग विद दिस लिखना था मैंने, he runs his program known as super 30. so again super 30 ke bare mein kafi charcha hogi. what is his her profession, he is quite popular in india for his super 30 program. okay, program ke thoda se
देख सकते हैं, इन विच ही सिलेक्ट्स 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज टू सपोर्ट देम। सो अंडर प्रिविलेज्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ड, क्योंकि वो सिर्फ गरीब बच्चों को ही पढ़ाता है। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जिनके पास फैसिलिटीज ना हो, जिनके पास खुद का जो कहते हैं ना कि खाना पानी, दो टाइम की रोटी भी मुश्किल से मिलती हो, दैट्स व्हाट वी कॉल अंडर प्रिविलेज्ड। ओके, सो अभी लास्ट क्वेश्चन तो था एक्सप्लेन व्हाई द जॉब ऑफ दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी। यहाँ पर आपकी जो स्कोरिंग डिसाइड होती है, क्योंकि बेसिकली आपको नहीं पता लगता कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, मैं आपको सभी कुछ हाईलाइट करके बताऊंगा। सो ये क्वेश्चन इस क्यू कार्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप इस पर एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दो। सो हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस सुपर थर्टी क्लास ही टीचेस स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर, सो प्रिपेयर लिखना था, फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो वो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है। सो नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले सभी को पता है कि आईआईटी का एग्जाम बहुत ही मुश्किल एग्जाम्स में से एक है। सो द नेम ऑफ दिस एग्जाम इज आईआईटी एग्जाम। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। सो देखिए, मैंने हाईलाइट किया इन इंडिया। द ब्यूटी अबाउट दिस पर्सन इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्सन इज दैट ही सिलेक्ट्स ओनली 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज ओनली आफ्टर चेकिंग देयर कैपेबिलिटीज। सो उनको सिलेक्ट करता है, सो सिर्फ उनकी कैपेबिलिटीज चेक करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 30 जो गरीब बच्चे हैं वो आ जाएंगे, पहले उनका टेस्ट होगा। वो देखते हैं कि क्या वो वाकई बंदा पढ़ने के लिए इच्छुक है भी कि नहीं। एज ए स्टूडेंट्स सक्सेस रेट इज मोर देन 90%। सो देखिए, टफेस्ट एग्जाम है, वो गरीब बच्चों को चुनता है और 90% उसके बच्चे क्लियर कर जाते हैं। मीन्स अंडर हिज गाइडेंस दी स्टूडेंट्स आर एबल टू क्रैक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया विच इज ग्रेट। सो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो अभी लाइन क्लियर करेंगे क्यों वो जरूरी है। सो ये चीजें ही आपको डिफरेंट करती है, क्योंकि इससे पता चलेगा। सो अभी आपको सीधा मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं, आपको सीधा पता चल जाएगा। दिस पर्सन इज क्लियर एग्जाम्पल दैट इवन अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स कैन अचीव ग्रेट हाइट्स। ही हैज प्रूव टू द सोसाइटी दैट टैलेंट इज प्रेजेंट इवन इन द पुअर सोसाइटी। सो उसने प्रूव कर दिया है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स है वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसने प्रूव कर दिया है कि टैलेंट जो है छुपा हुआ है, जो गरीब लोगों हैं उनमें भी बहुत सारा टैलेंट है। He has also proved that even underprivileged people can gain education. So उन्होंने कहा कि ये लोग भी एजुकेशन हासिल कर सकते, वो डिफरेंट नहीं है हमसे, वो अच्छे बुरे नहीं है, वो भी कैपेबल है। एंड डू वंडर्स इफ मनी डज नॉट बिकम एन इशू एंड इफ प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस इज गिवन टू देम। सो उस बंदे ने ये पॉइंट सारी सोसाइटी को, सारे इंडिया को प्रूव कर दिया है कि अगर किसी को सही गाइडेंस मिले तो वो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज रियली इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी। सो ये ग्रीन लाइन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस पर्सन इज रियली हेल्पिंग द सोसाइटी स्पेशली द पुअर टू ग्रो एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ देमसेल्फ्स, कहना था मुझे, हिमसेल्फ लिख दिया मैंने। सो आई रियली सल्यूट दिस पर्सन फॉर सर्विंग द सोसाइटी फॉर फ्री। सो ये चीज वो पहली बात बिना किसी चार्जेस के करता है। If you want to know more about Super 30 classes, then there is a movie available known as Super 30. Okay, so Ritik Roshan ki ek movie hai, bahut hi jyada achhi movie. I think everyone should watch that movie. Bahut jyada inspiring movie hai. So yahan par jo hamari baat hui thi. So ye cheeze hain, to maine aapko bataya ki hum topic cover karna bhool jate hain, kuch important lines bolna bhool jate hain, kuch aise isme dekhiye bahut jyada level par words, vocab wagaira use nahi hui hai. But the way we have explained everything, this is going to change everything. Okay. So देखिए, यहाँ पर मैं teach करता हूँ, इसलिए मैंने इसका reference दिया है। So यहाँ पर आप अगर जाना चाहो तो join कर सकते हो। हाँ, तो ये वाला topic था। ये video मैंने active passive पर, again active passive की video नहीं है, एक ऐसी चीज है जो कि examiner आपसे expect करता है। अगर आपके 5.5 है तो 6 पर चले जाएंगे। So 6 तो इसके बाद 100% आने ही आने हैं। अगर किसी के 6.5 पर स्टक हो रहे हैं, उसको कुछ चीजें ऐसी पता चल सकती हैं जिससे उसे लगे कि हाँ, ये शायद मुझे यहाँ पर गलती हो रही थी। तो ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो कि 100% हर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लेवल पे फायदा करने वाली है, जो मैं बताना भूल गया था। सो नाउ यू कैन वॉच एंड लिसन टू दिस वीडियो, और सॉरी नॉट लिसन, यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू कैन ऑल्सो लिसन टू दिस वीडियो इफ यू आर विलिंग टू। सो थैंक्स ऑल, आई होप दिस वीडियो वॉज टोटली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू।